नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो बजट पेश करने के बाद अब बस सीएम डॉक्टर रमन सिंह पत्रकारों से रूबरू हो रहे हैं। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं। चार परियोजना 275 करोड़, हस्तो बांगों में 90 करोड़, पेयजल राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना 160 करोड़, प्रत्येक 90 विधानसभा के 10-10 बसाटों में सोलर पंप से पेयजल व्यवस्था हेतु सौर सुजला योजना में 5% राशि से किया जाएगा और सौर ऊर्जा पर आधारित पेयजल के लिए जो पहले से योजना चल रही है उसमें अलग से 96,58,00,000 की राशि स्वीकृत है। नगरी जल प्रदाय योजना 190 करोड़, नगरी विकास में नगर निगमों को एलईडी स्ट्रीट लाइट में बदलने के लिए 28 करोड़, नगरी पेयजल योजना के 45 करोड़, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर समाज मांगलिक भवन 3 करोड़, 1.5 करोड़ और 75 लाख नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत पूरे छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री आवास योजना 200 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन 316 करोड़, अमृत मिशन 210 करोड़, नया रायपुर विकास प्राधिकरण 366 करोड़, रीजनल कनेक्टिविटी रेलवे विमानन में बढ़ा रहे हैं जिसके लिए 10 करोड़, बीजापुर और दंतेवाड़ा की हवाई पट्टी का विकास किया जा रहा है 23 करोड़, ट्रैवल टूरिज्म के लिए 100 करोड़, दामाखेड़ा और राजिम के अधोसंरचना विकास के लिए राशि का प्रावधान, 31 मिनी स्टेडियम, 5 नवीन आईटीआई बलरामपुर सहसपुलवारा छिंदगढ़ मर्दापाल और गोडला 5 करोड़ 22 लाख, लाइवलीहुड कॉलेज में 15 बालिका और 5 बालक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा 7 करोड़ 68 लाख, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना 109 करोड़, बालोद में नवीन शासकीय पॉलिटेक्निक, अंबिकापुर में साइंस सिटी, उच्च शिक्षा में 5 नवीन महाविद्यालय सरिया, चंदपुर, बीरगांव, खरोरा और कटे कल्याण, 50 महाविद्यालय में नवीन विषय, 20 महाविद्यालय बीसीए, राज्य मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद 2 करोड़, 10 छात्रावास का भवन, भाटापारा लखनपुरी महरूम कला में नए औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक इकाइयों में लागत पूंजी अनुदान 95 करोड़, औद्योगिक क्षेत्र अधोसंरचना 41 करोड़, श्री ग्राम बुनकर समिति सामान्य सुविधा केंद्र 3 करोड़, डिजिटल समावेशन सूचना क्रांति निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण 45 लाख लोगों को, बस्तर नेट डिजिटल इंफॉर्मेशन हाईवे, डिजिटल आर्मी 18 लोगों को, राशन वितरण आधार सीडिंग के जरिए कैशलेस लागू की जाएगी, लैपटॉप और टैबलेट के लिए 80 करोड़, यूनिफाइड डाटाबेस की 10 करोड़, एक महत्वपूर्ण योजना पुलिस डायल 112, अपराध दुर्घटना की स्थिति में त्वरित पुलिस सहायता 10 मिनट में, शहरी क्षेत्र में 10 मिनट में और ग्रामीण क्षेत्र में आधा घंटे में ये सूचना पुलिस वहां तक पहुंचेगी और किसी भी प्रकार के अपराध और दुर्घटना के लिए सहायता के लिए ये 112 डायल नंबर, जिसमें मोबाइल गाड़ियां खड़ी रहेंगी, जिसमें पुलिस के लोग रहेंगे, इसकी शुरुआत के लिए मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना 6,424 शासकीय आवास, 10,000 पुलिसकर्मी के आवास, गुरूर बेरला कसडोल मानपुर गंडई राजीव डोंडी लोहारा में नए अनुविभाग खोले जाएंगे, पटवारी 200 पद की स्वीकृति, राजस्व निरीक्षक 300 का, नायब तहसीलदार 50 और तहसीलदार के 70 पदों का सृजन किया गया, ई धरती 52 करोड़, आपदा मोचन 265 करोड़, भू अभिलेख आधुनिकीकरण 132 करोड़, नए 8 नवीन थाने, 6 चौकी, 1 चौकी का उन्नयन, आरआई बटालियन के लिए उपकरण दो संरचना 22 करोड़, सीसीटीएस योजना 7 करोड़, फायर ब्रिगेड डीएन लैब का विस्तार, बैरकों का निर्माण, इसमें एक कर प्रावधान भी किया गया है
कुछ निर्धारित वस्तुओं को छोड़कर जैसे सीमेंट, स्टील, कोयला, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, मोटर वाहन, पान मसाला, तंबाकू उत्पाद को छोड़कर शेष वस्तुओं की खरीदी पर डिजिटल भुगतान मोड से करने पर उपभोक्ताओं को कर की दर में 0.5% की छूट जाएगी छूट दी जाएगी। इस छूट की राशि का समायोजन विक्रेता व्यवसायी को उनके द्वारा देय कर के विरुद्ध कर सकेगा। यह व्यवस्था जीएसटी प्रणाली के लागू होने पर भी जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ में बजट का एक व्यापक रूप से कुल आय 75,952 करोड़, कुछ कुल व्यय 76,032 करोड़, राजकोषीय घाटा 9,647 करोड़। इसमें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 36%, अनुसूचित जाति के लिए 12%, सामाजिक क्षेत्र के लिए 40% और आर्थिक क्षेत्र के लिए 38%। एक महत्वपूर्ण विषय जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में हम विकास की योजनाओं में भागीदारी कर रहे हैं और कुल जो हमारा विकास दर छत्तीसगढ़ का 7.14% रहा जो राष्ट्रीय औसत से 7.1 से ऊपर है। कृषि में भी राष्ट्रीय दर विकास दर 4.1%, हमारा 5.87%। औद्योगिक विकास दर भारत सरकार में केंद्र में 5.2 और हमारा 6.11%, और सेवा में 8.8% की अगेंस्ट में हमारा 9.90 रहा। प्रति व्यक्ति आय 91,772 रुपया जो 8.8% पिछले साल से अधिक है। कुछ महत्वपूर्ण विषयों में थोड़ी सी जानकारी आपको प्रश्न होने के पहले ही मैं दे दूं। जो स्मार्टफोन की योजना लागू की गई है उसके पीछे रीजन क्या है और सोच क्या रही। छत्तीसगढ़ में जो हमारे आज के तारीख में अभी भी 36% एरिया हमारा डार्क जोन में आता है जहां मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसे क्षेत्र में 1,500 टावर लगाने का चुनौती भरा काम भी रहेगा। इसमें हमारे 71% जो हमारा रूरल पॉपुलेशन है उसके पास मोबाइल नहीं है। इसका मतलब यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में काफी दूरी है और ये जो हमारी कनेक्टिविटी बढ़ जाने के बाद जो हमारा जनधन आधार और मोबाइल जैम जो बोलते हैं इनका एक बेहतर उपयोग हम ग्रामीण क्षेत्र की जनता को कैश ट्रांजैक्शन के लिए करेंगे, उनके वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन से लेकर अन्य क्षेत्रों में सारा इन्फॉर्मेशन उन्हें स्मार्टफोन देने के बाद सरकार की सेवाओं से उनको जुड़ने का काम भी होगा। और बजट पर नजर बनी हुई है, फिलहाल एक ब्रेक। जी हाँ, तो यहाँ आपने सीएम डॉक्टर अमन सिंह को सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बजट के बाद। सीधी पहली कॉन्फ्रेंस सीएम डॉक्टर अमन सिंह की। एक बार फिर आपको बता दें बजट इस बार छत्तीसगढ़ बजट में क्या कुछ खास है बता दें। एक बार आपको किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज की घोषणा यहां की गई है। इसके साथ ही पीडीएस के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की उल्लेखनीय उपलब्धि, खाद्यान्न योजना में 3,000 करोड़ का प्रावधान विधानसभा बजट में पारित हुआ है। साथ ही नारायणपुर में नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी, बीजों के लिए 81 करोड़ का प्रावधान, 4 स्काई योजना के तहत 45 लाख गरीब महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इसी के साथ कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 5.8% की वृद्धि हुई है। दिव्यांग छात्रों के लिए भी दिव्यांग महाविद्यालय बनाए जाएंगे, 25 नए पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे। इसी के साथ बीजापुर, सुकमा और रायपुर में सेंट्रल स्कूल की स्थापना की जाएगी, कोंडागांव में 100 सीटर पोस्ट मैट्रिक आदिवासी छात्रावास बनेंगे, बेटी बचाओ